नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और फोन्स वेनम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियलमी एक्स टू के बारे में, क्या होने वाला है इसके फीचर और कौन सी कीमत पर यह फ़ोन आने वाला है इंडिया में, आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रियलमी एक्स टू रियलमी एक्स का सक्सेसर बन के इंडिया में आने वाला है। लीक्स और रूमर के मुताबिक ये फोन बहुत ही धांसू होने वाला है। ये फोन एक मिड रेंज लेवल फोन होने वाला है जो कि सैमसंग और रेडमी के मिड रेंज फोन को टक्कर देने वाला है। इसके बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करें तो इसके बैक में क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है और ग्लास बैक होने वाला है रियर में, जो कि इस फोन के बैक को बहुत ही प्रीमियम लुक देने वाला है। इसके बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला का 5P प्रोटेक्शन होने वाला है। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है जो कि बेजललेस डिजाइन के साथ आने वाला है। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.9% होने वाला है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आने वाला है। इसके डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला का 5P प्रोटेक्शन होने वाला है। इसके डिस्प्ले की वीडियो क्वालिटी और इमेज क्वालिटी बहुत ही धांसू होने वाला है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर यूज होने वाला है जो कि एक 8nm टेक्नोलॉजी चिपसेट है। ये फोन 8 क्राइओ और 470 कोर्स के साथ आने वाला है और ग्राफिक्स के लिए Adreno 618 GPU यूज हुआ है। इसमें PUBG और Asphalt और Fortnite जैसे हेवी गेम को आप बहुत ही अच्छे से खेल पाओगे। इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें 4000mAh का एक बड़ी बैटरी होने वाला है जो कि 30W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। इसमें बुक फास्ट 4.0 का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा जो कि आपको फोन को बहुत ही तेजी से चार्ज करके देगा। इसकी कैमरा की बात करें तो इसमें रियर में क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है जो कि 64MP प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रावाइड कैमरा, 2MP माइक्रो कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर के लिए यूज होने वाला है। सेल्फी में 32MP का एक सेल्फी शूटर भी आपको मिल जाएगा जो कि पॉपअप सेल्फी होने वाला है। इसमें स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग और EIS का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इस फोन की कैमरा क्वालिटी बहुत ही धांसू होने वाला है और वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छे होने वाला है। इस फोन की सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है जो कि आपको फिंगर को 0.36 सेकंड में रिकॉग्नाइज करने वाला है। इसमें फेस अनलॉक सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो इसमें टाइप सी पोर्ट होने वाला है। इसमें डुअल नैनो सिम प्लस माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इसमें डुअल वोल्टी का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। इसमें 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको मिल जाएगा। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो इस फोन में 6GB रैम, 8GB रैम वेराइटी होने वाला है और स्टोरेज की बात करें तो इसमें 64GB स्टोरेज और 128GB स्टोरेज तक होने वाला है और एक्सपेंडेबल मेमोरी आपको 512GB तक आपको मिल जाएगा। इस फोन की कीमत की बात करें तो ये फोन 20,000 के अंदर होने वाला है। इस फोन 26 सितंबर को चाइना में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।